आज दिल्ली में देश भर के किसान आए हैं। लगभग 10,000 किसान यहाँ पहुँचे हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन जो पार्लियामेंट में हो रहा है, उसी के पैरेलल एक सभा किसान यहाँ पार्लियामेंट स्ट्रीट में कर रहे हैं, जिसको फार्मर्स नो कॉन्फिडेंस मीटिंग कहते हैं। MSP के बारे में मोदी जी ने जो झूठ कहा है, उसके खिलाफ किसान आक्रोशित है। देश भर के किसान अभी मोदी जी को घेरेंगे इस बात के ऊपर, और सही MSP लेके रहेंगे और मोदी जी के प्रति धिक्कार जताएंगे कि वो किसानों को बार बार पिछले 4 सालों से झूठ बोल के गुमराह करके एक के बाद एक व्यवस्था में डालने की जो प्रयास कर रहे हैं, इसका प्रतिकार और प्रतिवाद के लिए किसान देश भर में जागरूक है। हर साल में 1% 2%, सबसे ज़्यादा 3% उन्होंने MSP बढ़ाया। अब चुनाव के साल में आके उनको अचानक वो कहने लगे कि हमने तो दे दिया। अब जो दिए हैं वो डॉक्टर मनमोहन सिंह का A2FL MSP है, C2 MSP नहीं है। यदि C2 MSP वो नहीं देते तो वो चुनाव के वादा पूरा नहीं कर रहे हैं। और चुनाव के वादा छोड़िए, ये C2 के ऊपर MSP जो तय करना, इसके नीचे खेती किसानी लाभकारी नहीं हो सकती है। किसान आत्महत्या करेंगे, किसान किसानी छोड़ देंगे। आज से 4 महीने तक इस देश के किसान इस सरकार के झूठ का पर्दाफाश करेंगे और अपने 2 कानून बन सके उसके लिए संघर्ष करेंगे। पहला पड़ाव आज 20 जुलाई को, दूसरा पड़ाव 9 अगस्त को, बीच में हमारे बिल 3 अगस्त को आएंगे संसद के सामने, तीसरा पड़ाव होगा जब हमारी फसलें मंडी में पहुंचेगी सितंबर अक्टूबर के महीने, तो मंडी जाके हम इनका पर्दाफाश करेंगे, और चौथा सबको पूर्ण करने के लिए क्या करेंगे, जैसे बॉम्बे में किसान आए थे, मुंबई में आए थे ना, टीवी पे देखे होंगे सबने, हजारों किसान बॉम्बे में आए थे। अब मुंबई जाने का तो एक रास्ता है, दिल्ली आने के तो 10 रास्ते हैं। 10 दिशाओं से किसान आएंगे और दिल्ली के दरवाजे पे आके इस देश की आत्मा पे दस्तक देंगे और सच दिखाएंगे। 30 नवंबर को सच दिखाएंगे।